श्री कृष्ण फ्रेंड, आज हम ठाकुर जी के लिए इस तरह की रिबिन का पवित्रा बनाएंगे जो सैटिन की आती है वो। इसमें मैंने ग्रीन, येलो और वाइट और रेड कलर लिया है और मैंने एक ये मोती लिया है, एवरेज के मोती है। और ये मोती आपको ठाकुर जी श्रृंगार जहाँ पे आप लेते हैं वहाँ की शॉप पे आपको आसानी से मिल जाएगा। इसकी इस तरीके से माला आती है, इसमें से मैंने लिया है। और ये गोकुल और मथुरा में भी बड़ी आसानी से मिल जाता है। अगर आपके पास ये मोती ना हो तो आप इसमें पर्ल भी यूज कर सकते हैं। और मैंने इस तरह ये वाइट पर्ल ली है, ये 6 mm की है। अगर आपके पास ये रज के मोती ना हो तो आप ये सभी जगह ये भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये ठाकुर जी को बहुत प्रिय है इसलिए मैंने ये रज के मोती भी इसमें डाले हैं। तो हम आज इस तरह की साटिन की पवित्रा बनाएंगे फुलना भावनी। तो चलो हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और मैंने इसमें ये 4 कलर यूज किया है, आप चाहे तो इसमें 2 कलर में भी बना सकते हैं। तो चलो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो पहले हम इस रिबिन को सभी एक साइज के टुकड़े में कैसे कट करें वो मैं आपको बताती हूँ। तो आपको एक स्केल लेनी है और यहाँ से स्टार्ट करना है और इसे इस तरह राउंड लेना है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपके सभी एक सारे टुकड़े एक ही नाप के होंगे और बड़ी आसानी से आप कट कर लेंगे। फिर हम स्केल निकाल देंगे और जो बीच में है वहाँ से हम सीजर से इस तरह कट कर लेंगे। तो बड़ी ही आसानी से एक ही साथ आप कई सारे टुकड़ों में कट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक साइड हम एक साइज का करके और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर लेंगे इस तरह। तो ये सभी टुकड़े एक ही साइज के हो जाएंगे। तो इस तरह हमारा ये 2 इंच का ये पीस रेडी हो जाएगा। अगर आप बड़ी बनाना चाहे मोटी तो आप इसे 3 या 4 इंच में भी कट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ये झोले से ये इसमें पहुलाई ज़्यादा लेनी होगी तो अच्छी दिखेगी, वरना ये इनका गेटअप नहीं आएगा। तो चलो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले एक कॉटन का धागा ले लेंगे ब्लैक कलर का और इसमें बीच में हम गांठ लगाकर इसमें नीडल डालेंगे बीच में से। और फिर से जो हमारा ये धागा है वाइट उसमें दोनों धागों के बीच में से नीडल लेंगे ताकि हमारी गांठ निकला नहीं। और फिर हमें इस तरह एक छोटा मोती लेना है और एक बड़ा। और पहले हम ये ग्रीन कलर की जो रिबिन है उसे लेंगे और इसे सीधा नीचे की ओर रखना है और इस तरह हमें इसे फोल्ड करना है 1 और 2 बार। फिर बीच में से नीडल लेंगे, फिर एक बड़ा मोती लेंगे तो पहले हमें येलो कलर लेना है तो ये सीधा भाग हमें नीचे रखना है और इस तरह हमें ये प्लस की निशानी बनानी है और बीच में से हमें नीडल डालनी है इस तरह नीचे से ऊपर की ओर। और फिर हमने जो रज के मोती लिए थे वो बीच में डालेंगे। अगर आपके पास ऐसा मोती ना हो तो आप पल भी यूज कर सकते हैं। और पहले हमें जो नीचे वाली है उसे लेना है इस तरीके से और इस तरह हम चारों पंखुड़ी को ऐसे कर देंगे।
और फिर हमें एक मोती लेना है वाइट। और फिर से हमें जैसे ग्रीन लिया था वैसे ही लेंगे, दो बार फोल्ड करके, पहले ऐसे और ऐसे, और फिर सेंटर में से और एक मोती लेंगे वाइट। अगर आप चाहे तो एक कलर में भी बना सकते हैं। अब हम रेड कलर लेंगे, फिर से इसे भी इस तरह रख देंगे और बीच में से नीडल लेंगे और बीच में एक ब्रज का मोती डालेंगे और ये जो नीचे वाला है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह हमारी सभी बूटी बन के रेडी होगी। और फिर से ग्रीन लेंगे और इन येलो रेड और अब एक वाइट स्टेप लेंगे हम। तो ये मैंने वाइट भी कंप्लीट कर लिया है। तो इसी तरह हमें पूरी गादी माला रेडी करनी है, पहले येलो रेड और वाइट डालकर। तो चलो हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड इस तरह मैंने सारी पवित्रा कंप्लीट कर ली है। आप जितनी लंबी बनाना चाहे उतनी बना सकते हैं। और लास्ट में मैंने इस तरह एक बड़ा और छोटा मोती ले लिया है और आगे की तरह हम ब्लैक धागे के साथ ही से गांठ लगाकर बांध लेंगे। यहाँ फिर यहाँ गांठ लगाकर धागा कट कर लेंगे। तो इस तरह हमने ये गांठ लगाकर धागा कट कर लिया है। तो ये हमारा पवित्रा रेडी है। अगर आप चाहे तो बीच में यहाँ झूमर भी लगा सकते हैं। तो चलो मैं ये भी बता देती हूँ कैसे लगाते हैं। तो पहले हमें एक छोटा मोती लेना है, ये मैंने 3 mm का लिया है। फिर हम इस तरह दोनों धागे के बीच में से नीडल ले लेंगे ताकि हमारा मोती निकले नहीं। तो हमें इस तरह लटकन बना लेना है। पहले छोटे मोती लिया था हमने, फिर हमने ये जो 6 mm का है वो लिया है और आगे जैसे हमने बुट्टी बनाई वैसे एक कलर की और फिर से एक 6 mm का मोती और ग्रीन। और इस तरह आप अगर लंगोल पबली डालना चाहे तो वो भी डाल सकते हैं। या तीनों मोती आपको इस तरीके के 6 mm के लेने हैं। और फिर से मैंने छोटा मोती लिया है और जो हमारा आगे का पवित्रा है उसको हम दोनों साइड सेम रख कर यहाँ बीच में डालेंगे। यहाँ और यहाँ पे हम धागे में गांठ लगा लेंगे इस झूमर का। इस तरह रख के इसे और फिर एक गांठ लगा लेंगे। फिर हमें इस तरह जो हमने ऊपर से लिया था इसे वो लेना है, छोटा मोती, लंगोल मोती और दो वाइट मोती और एक ग्रीन और फिर से एक वाइट। और अब हम फिर से पेच बना लेंगे, आप जो कलर का बनाना चाहे वो। और अब आप चाहे तो यहाँ गांठ भी लगा सकते हैं या रिटर्न सभी मोती में से और ये फ्लावर में से हमें लेना है। तो यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं क्योंकि इसी तरह हमें तीसरा वाइट भी रेडी करना है। तो चलो हम यहाँ से रिटर्न लेकर यहाँ
और यहाँ एक गांठ लगा कर ऐसा ही व्हाइट पेज भी रेडी कर लेते हैं। तो फ्रेंड इस तरह हमारा ये लटकन भी बनके रेडी हो गया है। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट करके बताएगा और मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री कृष्णा।